आईपीएल सीजन 6 के दामन पर लगे फिक्सिंग के दाग को हटाने के लिए बीसीसीआई के बिग बॉसेस ने चेन्नई में बैठक कर काफी देर तक माथापच्ची की, लेकिन बैठक बेनतीजा तो रही। लेकिन बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड अध्यक्ष ने अपनी परेशानी भी मीडिया के सामने रखा। 2 घंटे चली बैठक में फिक्सिंग को लेकर कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन सट्टेबाजों के लिए खुशी की खबर जरूर आई, क्योंकि बोर्ड ने साफ कर दिया कि सट्टेबाजों पर कंट्रोल करना आसान नहीं है। आईपीएल सीजन 6 में स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा होने के बाद नींद से जागी बीसीसीआई ने कार्य समिति की बैठक कर काफी देर तक फिक्सिंग को रोकने के लिए माथापच्ची की, लेकिन 2 घंटे की माथापच्ची के बाद भी बीसीसीआई इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने में नाकामयाब रही। बीसीसीआई की बैठक खत्म होने के बाद अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी परेशानी को जता दिया कि बीसीसीआई बुकी को कंट्रोल नहीं कर सकती और बीसीसीआई सरकारी संस्था नहीं है, इसलिए हम सट्टेबाजों पर लगाम नहीं लगा सकते। इसके साथ ही श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि वो पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। वर्किंग कमिटी वॉज ब्रीफ्ड ऑन ऑल द स्टेप्स दैट हैड बीन टेकन by the anti-corruption unit of the ICC to educate in great detail all the players of all the teams prior to the commencement of the tournament. They had also given them examples of how corruption has taken place in the past, how they should deal with approaches, and had obtained the consent of all players that they had understood the briefing and the protocols that had been shared with them. It was explained to us also that what is in our control is, that is, we can to some extent or maybe to a large extent control the players, but not being a police organization, not having the powers that the governmental agencies have or the law enforcement agencies have, we are not in a position, we are handicapped when it comes to control over bookies. वहीं पहले से ही आरोपी खिलाड़ियों के प्रति नरम रुख अपनाने वाली बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि जब तक दोषी खिलाड़ी जांच में दोषी साबित नहीं होते उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और इस मामले में बीसीसीआई ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूरी रिपोर्ट मांगी है। वी हैव ऑल्सो रिक्वेस्टेड द कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली टू प्रोवाइड अस विद इंफॉर्मेशन टू हेल्प अस टू कंप्लीट आवर डोमेस्टिक इंक्वायरी। वहीं इस स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस की जांच के अलावा बीसीसीआई भी जांच करेगी, और बीसीसीआई की तरफ से जांच का जिम्मा रवि सियानी को दिया गया है। रवि सियानी एंटी करप्शन यूनिट के प्रमुख हैं और एंटी करप्शन यूनिट की जांच रिपोर्ट के बाद ही दोषी साबित होने वाले खिलाड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी। Strengthen the vigilance and monitoring of players during such tournaments. Mr. Ravi Savani has been appointed as the commissioner to inquire into the allegations against these players, and his report will be placed before the disciplinary committee of the BCCI for further action, because we have to go by the rules that are applicable to players as formulated by the BCCI. इसके अलावा श्रीनिवासन ने कहा कि अगर जांच में खिलाड़ियों के खिलाफ दोष साबित होते हैं तो दोषी खिलाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान रॉयल्स के मालिक खिलाड़ियों के खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे।
हालांकि बीसीसीआई स्पॉट फिक्सिंग को रोकने के लिए संजीदा भी दिखाई दे रही है। श्रीनिवासन के मुताबिक फिक्सिंग जैसी घटनाएं दोबारा न हो इसके लिए खिलाड़ियों के अलग से होटल में रुकने पर पाबंदी लगाई जाएगी और आईपीएल में फिक्सिंग खिलाड़ियों के लालच का नतीजा है। कमिटी ऑल्सो डिसाइडेड दैट हेंसफोर्थ ऑल प्लेयर एजेंट्स हैव टू बी एक्रेडिटेड बाय द बीसीसीआई सिस्टम विल बी इंट्रोड्यूस्ड। देयर विल बी एन एसीएससीओ ऑफिशियल अपॉइंटेड फॉर ईच टीम who will be with the team along with the security officer. Access to the players will be monitored very, very strictly to the knowledge of the ACSU officer who is with the team. The head of the ACSU of ICC as well as the BCCI will give us a note on the steps to be taken, the recommending certain further steps that the BCCI needs to take. आईपीएल मैचों में स्पॉट फिक्सिंग रोकने के लिए बीसीसीआई ने कड़े कदम उठाने के फैसले तो ले लिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए जो उपाय सुझाए हैं वो तो पहले से ही मौजूद हैं। आईसीसी और बीसीसीआई के पास पहले से ही एंटी करप्शन यूनिट है जिसका काम मैच फिक्सिंग पर नजर रखना ही है, लेकिन इसके बाद भी आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा हुआ तो सवाल यही है, क्या हर टीम के साथ एक एंटी करप्शन अधिकारी को रखने से क्या फिक्सिंग बंद हो जाएगी? हालांकि ये तो वक्त बताएगा। आकाश सिंह।